बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। तो हमने रात को बनाया था आलू मुंगरे का सालन, तो सुबह दिल नहीं किया उसको खाने को, तो मैंने कहा कि क्यों ना हम आलू मुंगरे का पराठा ही बना लेते। तो मैंने ये थोड़ा सा सालन लिया आलू मुंगरे का, तो इसको मैंने फोक के साथ जो है वो आलू इसको मैश कर लिया है। ये बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी बना था। तो इसके अलावा कच्चे मुंगरे का भी हम पराठा बनाते हैं, वो भी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। ये तो ऐसे पड़ा हुआ था सालन, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया, लेकिन बहुत मज़े का बना था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। तो ये हमने इसको अच्छे से मैश करके रख लिया एक साइड पे। अब हम पेड़े बना लेते हैं छोटे 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 छोटे, दो पेड़ वाला क्योंकि बनता है पराठा, ये वाला फिलिंग वाला पराठा जो होता है, तो हम छोटे छोटे दो पेड़े ले लेते हैं। ये देखिए इस साइज का हमने पेड़ा लिया है छोटा सा। अगर ज़्यादा ही बारीक वाला ले ले, फिर मेरे हाथ से ना रोटी बड़ी वाली बेल होती है, मेरे से छोटी रोटी नहीं पकती। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मेरे से नहीं बनती, तो अगर मैं इससे भी छोटा लूँगी तो मेरे से रोटी बन ही नहीं पाएगी। ठीक है, ये हमने छोटे छोटे दो पेड़े ले लिए। अब हम इन पेड़ों से छोटी छोटी रोटी बेल लेते हैं, जिसके अंदर हम करेंगे फिलिंग नॉर्मल से साइज की ना, और बेलन पे मैं नहीं बनाती, मैं बिल्कुल हाथ से, बस हाथ से ही मैं बनाती हूँ। ये देखिए छोटी छोटी सी हमने बना ली है। तो इसके अंदर अब मैं ना घी नहीं लगा रही, क्योंकि मैं सालन लगा रही हूँ, सालन के अंदर पहले ही घी होता है, तो घी नहीं मैंने ऐड किया पहले वो ना लगाने के लिए। तो ये मैंने जो मैश करके रखा था इसकी फिलिंग कर दी अंदर अच्छे से, ज़्यादा फिलिंग वाला हो फिर ही खाने का मज़ा आता है, कम फिलिंग होने और मैंने ज़्यादा वाली फुल फिलिंग की थी। ये देखें अब हम दूसरा इसके ऊपर लगा देंगे करके ना रोटी बेल के। कितनी फिट आई है। तो अब साइडों से जो है वो हम इसको प्रेस कर देंगे, ताकि जो फिलिंग है हमारी बाहर ना, जब हम रोटी बनाएंगे। मैंने अच्छे से प्रेस कर दी है, ये हमारा डन हो गया। अब हम चूल्हा चलाते हैं और तवा को गर्म करते हैं। आजकल गैस का ये देखिए कितनी सी आ रही, बहुत मसला हो रहा है सर्दियाँ जैसे ही, लेकिन अब तो गर्मियों में भी गैस नहीं होती और गैस बहुत तंग कर रही है। हम लोगों ने फिर सिलेंडर लगाया हुआ था, तो अभी गर्म हो जाता है, जब तक तब तक हम अपनी रोटी को बेल लेते हैं। ये देखिए हमने पकड़ा, ये देखिए मैं तो हाथ से ही बनाती हूँ, मेरे से तो बनती ही नहीं, पता नहीं लोग कैसे बना लेते हैं बेलन पे, मेरे से नहीं बनती रोटी, शुरू से आदत ही नहीं है और छोटी भी नहीं बनती। ये देखिए जी हमारी रोटी हमने डाल दी ऊपर तवे पे, कैसी लगी आप लोग ट्राई करना फिर हमें बताना। अभी इसका वो खुश्क होना शुरू होगी, तो हम साइडों से थोड़ा सा घी लगाएंगे, इससे क्रिस्पी बहुत बनती है, तो नीचे की तरफ को हो जाएगी। ये देखें नीचे घी चला गया, अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। ये देखिए जी साइड चेंज कर दी, आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई करना,
चाय के साथ और भी मज़ा आता है, साथ में दही हो उससे भी। मुझे दही इतनी ज़्यादा पर्सनली पसंद नहीं है, तो मैं चाय बहुत शौक से पीती हूँ। या हम इसको हल्की आंच पे कर लेंगे गोल्डन, तेज़ आंच पे करेंगे तो वो जल ही जाएगा जल्दी से, लेकिन वैसा क्रिस्पी नहीं बनेगा। हल्की आंच पे हम करेंगे ये क्रिस्पी बनेगा। सर्दियां आ गई हैं, वैसे भी पराठे खाने का अपना ही मज़ा है। बिस्तर में बैठ के आराम से पराठे खाएं, एंजॉय करें। जी हमारा पराठा अब हो गया तैयार, हम इसको उतार लेते हैं। ये देखिए कमेंट में हमें बताइएगा हमारा पराठा, हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, आपको पसंद, ये देखिए कितनी फीलिंग है। पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।